हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RBGood Ideas। इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है और NCERT साइंस का छठा चैप्टर है। ये वीडियो इस लेसन का पार्ट वन है। मैं जनरली छोटी वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो भी छोटी ही है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले रिविज़न नोट्स भी एकदम सिंपल है। आप ध्यान से सुने और वीडियो को पॉज करके नोट्स लिख लें या वीडियो की स्क्रीन शॉट ले लें। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूं उससे बाहर बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरा दावा है। बस एक बार ध्यान से आप इसे सुन लें और समझ लें। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने, ग्रो करने और अपनी स्पेसीज को कंटिन्यू करने के लिए किन किन लाइफ प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कई तरह की लाइफ प्रोसेस होती रहती हैं। इन लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को मेनली दो बातों के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। पहली, वेरियस लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, और दूसरी, बॉडी के सेल और टिश्यूज़ की डैमेज को रोकने, उनको रिपेयर करने और नई सेल्स को बनाने के लिए। इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेनली दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप, इस एनर्जी को फूड के फॉर्म में बॉडी के अंदर लेना, और दूसरा स्टेप, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से इस फूड से एनर्जी को प्रोड्यूस करना। हमारे अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में तरह तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इन सारी केमिकल रिएक्शंस को एनर्जी पैदा करने के लिए दो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। पहला, कार्बन सोर्स जैसे CO2, ग्लूकोज या शुगर, और दूसरा, ऑक्सीजन। इस एनर्जी जनरेशन प्रोसेस से कई बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं। ये बाई प्रोडक्ट्स अनचाहे प्रोडक्ट्स होते हैं। ये बॉडी की सेल के लिए यूजलेस और हार्मफुल होते हैं। ये सारे बाई प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी का कचरा हैं, रद्दी हैं, इसलिए इनको ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। बॉडी जिस प्रोसेस के द्वारा इन सारे हार्मफुल बाय प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। तुम्हें पसीना आता है, ये एक्सक्रीशन है। तुम पेशाब करते हो, ये भी एक्सक्रीशन है। हमारा तुम्हारा टॉयलेट जाना भी एक्सक्रीशन ही है। अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होती है। डाइजेशन के प्रोसेस के समय ये सबसे कॉमन केमिकल मेथड होता है, और इसी की मदद से फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। इसको दोबारा समझते हैं। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी में जनरली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, जिसकी मदद से खाए गए फूड के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और टूटकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में बॉडी अपने बाहर के आसपास के सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेती है और फिर फूड के ब्रेकडाउन में इसका यूज़ करती है। लेकिन रेस्पायरेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इस प्रोसेस में दो स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में गैसों की अदला बदली होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। रेस्पायरेशन का दूसरा स्टेप है फूड का ऑक्सीडेशन। ये स्टेप ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। सेल्स के अंदर फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, और फिर बॉडी में होने वाले बायोलॉजिकल फंक्शंस को कंटिन्यू रखने के लिए इसी एनर्जी का यूज़ होता है। इसी एनर्जी के कारण हम सभी और सारे ऑर्गेनिज़म्स सर्वाइव करते हैं
और जिंदा रहते हैं। अब ब्रीदिंग को एक बार और समझते हैं। ये एक सिंपल और मैकेनिकल प्रोसेस है। इसमें ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच गैसों का लेन देन होता है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। फूड से जो एनर्जी प्राप्त होती है उससे बॉडी में व्यवस्था बनी रहती है, स्टेट ऑफ द ऑर्डर का पोजीशन बना रहता है। इस तरह फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ग्रो करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए फूड ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द इस लेसन का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।